नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी न्यूज में। और ये जान लेती हैं उत्तर प्रदेश की अब तक से लेकर रात तक की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अभी अभी पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर बापू को किया याद, यूएन का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर दुनिया को संदेश। जी, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई राजनेताओं ने राजघाट पहुंचकर गांधी जी को याद किया है। ऐसे में आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने भी बापू को याद कर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर दुनिया को संदेश दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लोगों से गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कानपुर हादसे के घायलों का जाना हाल, मेरठ में 3 किसानों पर चली गोली। जी, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हादसे के घायलों से हाईलाइट अस्पताल में मुलाकात की है। वहीं बता दें कि अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जन सहभागिता, जागरूकता और कड़े नियमों के जरिए इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं को रोका जा सकता है। इसके लिए यातायात निदेशालय से लेकर सभी संबंधित विभागों को अपने अपने स्तर से पूरा प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 किसानों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं गोली से घायल 3 किसानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खुशखबरी, रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान, मिलेगी 78 दिनों की अतिरिक्त सैलरी, जाने पूरा गणित। जी, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी अभी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। वहीं दशहरे की छुट्टियों से पहले उन्हें इसके भुगतान कर दिए जाएंगे। हालांकि आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सट्टे में हारे तो छाप डाली 3 लाख नकली नोटें, 10वीं 12वीं के छात्रों के कारनामे से पुलिस भी हैरान। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का अभी अभी भंडाफोड़ किया है। सभी 12 आरोपित छात्र हैं और अब तक 100-100 के 3 लाख नकली नोट छाप चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर 40,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इसके साथ ही 10वीं फेल नाबालिग और 12वीं पास विभु यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैंग के 10 फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। वहीं पतारा चौकी इंचार्ज विनीत मिश्रा को काफी समय से कस्बे के बाजार में नकली नोट छपने का सूचना मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कानपुर हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग। दिया बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर के ट्रैक्टर ट्राली हादसे में 26 लोगों की मौत और 20 से अधिक के घायल हो जाने का गहरा दुख जताया है। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। सीएम योगी की अपील, सवारी के लिए ना करें ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल, कानपुर हादसे पर जताया दुख। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक्टर ट्राली हादसे में अब तक 26 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी ये निर्देश दे दिए हैं कि ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल सवारियों को ढोने के लिए न किया जाए, सिर्फ खेती किसानी और माल ढुलाई के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में अक्सर लोग कार्यक्रमों में समूह में आने जाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में दान देने वालों को मिलेगा आयकर छूट। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाई जा रही वरिष्ठ जन कल्याण निधि में कारपोरेट सेक्टर से सीएसआर फंड के तहत व अन्य समाज सेवी संस्थाओं से दान लिया जाएगा। इस दान पर दानदाताओं को आयकर छूट का लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि अब तक प्रदेश सरकार 5 करोड़ रुपए की राशि से यह निधि बना रही है। वहीं समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतः प्रभार अश्विन अरुण ने अभी अभी यह जानकारी देते हुए कहा है कि इस निधि से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के हित में चलाई जा रही योजना व कार्यक्रमों में जहां कहीं गए पा रहे हैं उन्हें भरा जाएगा। इस निधि का पंजीयन सोसाइटी एक्ट के तहत करवाया जा रहा है।
गांधी जयंती पर चरखा चलाकर सीएम योगी ने की अपील, एक जिला एक उत्पाद को कामयाब बनाएं। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कम से कम एक खादी वस्त्र का इस्तेमाल करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें। उत्तर प्रदेश में 12 घंटे में 3 बड़े सड़क हादसों से कांपा उत्तर प्रदेश, चीखों से पसर गया सन्नाटा, 32 जिंदगियां हुई खत्म। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बीते 12 घंटों में 3 बड़े सड़क हादसों का गवाह बना है। ऐसे में आपको बता दें कि सड़क हादसे कानपुर उत्तर प्रदेश के सीतापुर, जिसमें आज तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी व मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 2 सड़क हादसे कानपुर में हुए हैं, जिसमें महिलाओं व बच्चों समेत करीब 31 लोगों की मौत हुई है, और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुए एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल के आसपास दुकानें बंद, एडीए ने बिक्री के लिए नया सामान लाने ले जाने पर लगाई रोक। जिया बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में दुकानों के लिए नया सामान ले जाने पर भी अभी अभी रोक लगा दी है। वहीं अब दुकानों से संबंधित थोक सामग्री आसपास नहीं जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एडीए ने प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी व्यावसायिक गतिविधियों को 17 अक्टूबर तक बंद करके अल्टीमेटम दिया था। वहीं आपको बता दें कि ताजमहल की चार दीवारी से 500 मीटर क्षेत्र का 4 दिन से सीमा निर्धारण सर्वे कार्य चल रहा है। इसके विरोध में आज सुबह ही दुकानें बंद कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश में सूफी धर्म गुरु बोले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जाना हराम, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरियाणा हज कमेटी के सदस्य व सूफी धर्म गुरु दरगाह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपत शाह विलायत के सज्जादनशीन सैयद मेराज हुसैन साबरी ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हराम बता दिया है। साथ ही जुबानी फतवा जारी करते हुए उसमें नहीं जाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक निजी कार्यक्रम में आए सूफी गुरु ने अभी अभी पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि भारत सरकार ने PFI पर प्रतिबंध लगाकर सही किया है, राहुल गांधी की पद यात्रा को हराम बताते हुए जुबानी फतवा लगाए है। उन्होंने कहा है कि देश में फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी 1400 अनुबंधित बसें, यात्रियों को मिलेंगी राहत। जी हां, बता दें कि अभी अभी प्रदेश सरकार परिवहन निगम की बसों के बेड़े में आगामी 5 माह में 1400 बसें शामिल करने जा रही है। यह बसें परिवहन निगम से अनुबंध कर चलाई जाएंगी और आपको बता दें कि इन बसों के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं परिवहन निगम ने निजी बसों के अनुबंधन के संबंध में नई सेवा शर्तें जारी कर दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर ने बताया है कि परिवहन निगम ने 1400 निजी बसों को अनुबंध कर संचालित करने का निर्णय लिया है। इनमें 80 लग्जरी, 25 वातानुकूलित स्पीलर, 250 ग्रामीण सेवा, 100 AC स्पीलर व AC चेयर के अलावा साधारण बसें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के साथ मुस्लिम कैदी भी रख रहे नवरात्रि व्रत, उत्तर प्रदेश के जेल में दिखा धार्मिक सौहार्द। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला जेल में धार्मिक सौहार्द की मिसाल सामने आ रही है। बता दें कि जेल में बंद 200 से ज्यादा मुस्लिम कैदियों ने अन्य हिंदू कैदियों के साथ 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि के उपवास रखे हैं। वहीं जेल के एक अधिकारी ने अभी अभी इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि मुस्लिम कैदियों का यह कार्य उन हिंदू कैदियों के प्रति उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है, जो रमजान के पवित्र महीने के दौरान सुबह से शाम तक रोजा रखने में उनके साथ शामिल हुए थे। वहीं जिला जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया है कि मुजफ्फरनगर जिला जेल के 3000 कैदियों में से करीब 1100 हिंदू और 218 मुसलमान नवरात्रि उपवास कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती आजम खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज कराया बयान, 6 को पेश करेंगे अपने गवाह। जी हां, बता दें कि पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में अभी अभी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भड़काऊ भाषण के मामले में अपने बयान दर्ज कराए हैं। अब आजम खान अपने पक्ष में गवाह पेश भी करेंगी और 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीलक कोतवाली में लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का यह मामला दर्ज किया गया है।
अगर आप अष्टमी को करने वाले हैं कन्या पूजन तो जान ले सभी शुभ मुहूर्त। जी हां, बता दें कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन का विधान है। इस दिन को महाअष्टमी भी कहते हैं। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर यानी कल है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप भी अष्टमी तिथि पर हवन पूजन करने के साथ कन्या पूजन करने वाले हैं तो यह सभी मुहूर्त जान ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर को शाम 6:47 पर शुरू हो रही है, जो कि यानी कल से शाम 4:37 तक रहेगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूजन का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:51 तक है। विजय मुहूर्त में 2:27 से 3:14 तक। गोधूली मुहूर्त 6:13 से 6:37 तक होगा। वहीं अमृत काल 7:54 से 9:25 तक रहेगा। दोस्तों, यू भी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।